तो हाँ भाई, आज हम लोग जा रहे हैं इस मतलब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं गलोटिया के जो मेस है, हॉस्टल का मेस है, ठीक है। वहाँ पे जाके बिरयानी खाएंगे। आज मेस में बिरयानी बनी है, ठीक है। और देखते हैं मतलब कैसा मेस है यहाँ पे, आप लोगों को भी दिखाएंगे, तो बने रहो फिर। तो ये देखो है यहाँ हॉस्टल का जो है पीछे वाला साइड, ठीक है। और यहाँ पे शायद यहाँ पे कोई एक गेट है, तो वही कह रहे हैं कि जब बारिश वगैरह होती है तो यहाँ से ये जो गेट है खोल दिया जाता है। और कम से कम 100 मीटर वॉक करने के बाद यहाँ पे आप लोग का मेस है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर चलते हैं। और ये रास्ता जैसे कि देख रहे हो, ये आता सीधा जो मेन रोड है वहाँ से आता है, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो, मतलब कि गलोटिया हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हो, तो आप लोग को यहाँ से आना पड़ेगा और अपनी कार इधर लानी पड़ेगी। ऐसा भी है ये, वरना नंबर 4 गेट से भी ला सकते हो। तो देखो यार, अपने पहुँच गए हैं यहाँ मेस में। और जैसा कि बताया था मैंने, पीछे जो है हॉस्टल दिख रहा है, और ये है अपना मेस। अपना नहीं है मतलब गलगुटिया के मेस है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर चलेंगे। और इसके पीछे भी बहुत सारा एरिया है वगैरह है, जहाँ पे एग्रीकल्चर वालों की क्लास चलती है, फिर उन्हीं से रिलेटेड मतलब काम होता है। और मेन बात बात करें तो यहाँ पे जो मतलब कि खाने जगह की जगह है ना, वहाँ पे हाइजीन रहती है, ये मैंने देखा है। और एसी चलता ही रहता है भाई, थाली खत्म हो गया। चल पूछ रहे थे पहले। तो फिलहाल ये है मेस का एरिया, ठीक है। काफ़ी हाइजीन होता है। और खाने की बात करें तो भाई खाना नहीं और मेन बात ये है कि भाई एसी चलते रहते हैं तो आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती यार। यहाँ हो तो मन खुश होता है, लेकिन खाने की वजह से तो यार मन दुखी होना ही है। तो यार ये यहाँ पे इस मेस में मैं आ रहा हूँ पूरे 1 साल बाद, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि 1200 लोग हैं यहाँ पे खाने वाले हॉस्टल से, तो उस हिसाब से चेयर्स भी हैं, तो चेयर की कमी नहीं होती। बहुत रेयर होता है कि एक दो लोग खड़े हुए हो जाते हैं। और देख रहे हो अभी, जैसे कि मान लो बाकी लोग खाना खा के गए, तो साफ़ सफाई तुरंत हो रही है। देख सकते हो यार यहाँ पे मतलब 2-3-4 रो हैं यहाँ पे। आराम से बैठो, खाना खाओ और निकल जाओ। और देख सकते हो, और यहाँ पे बाकी जो है प्रॉपर डिश लैंडिंग के लिए भी जगह है, अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये सामने देख सकते हो, यहाँ पे जो जगह है ना छोटी सी, आप लोग अगर खाना खा के यहाँ से हट रहे हो, मान लो यहाँ से खाना खा के आप लोग जा रहे हो, तो सीधा अपना डिश जो है वहाँ जाके लैंड करो, वहाँ जाके साफ़ सफाई सब होगी, ठीक है। और यही रास्ता है, लेफ्ट में जाओगे तो आप लोग के पानी पीने का। और एक उधर से गेट है और एक इधर से गेट है। तो एक ये भी है मतलब कि यहाँ पे जो है वार्डन वगैरह जो भी मेस इंचार्ज है वो यहाँ बैठता है, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो आ ना सकें, ठीक है। तो यही कुछ है हाल का मेस का, काफ़ी सही है। हाँ तो भाई अभी अपने पास मौका है यहाँ के जो सैंडविच है ना वो ट्राई करने का, और जो चाय है वो ट्राई करने का। तो क्या मतलब क्या चेंज हुआ है अपने 1 साल में, वो मैं ट्राई करने वाला हूँ अभी। तो बाहर के हॉस्टल में और गलगोटे के हॉस्टल में क्या डिफरेंस है, वो कहाँ के लिए। तो भाई अभी हमने सैंडविच का रिव्यू को लिया, ठीक है। एज यूजुअल पिछले साल भी ऐसा था, तो फ्रेश रहता है सैंडविच, तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी जो चाय है ना, कत्ता ही पानी जैसी, और इसे बेटर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, ठीक है। हाँ सर, इसमें कप में दे रहे हैं वैसे ही देते नहीं है, ये एक ग्लास रहता है। ओए चाय कैसे रखी, एज यूजुअल बकवास, ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है। और इसी के साथ अभी शाम का तो नाश्ता कर लिया है, और रात में अभी आएंगे और रात का देखते हैं कैसा खाना रहता है यहाँ पर, ठीक है। आ रही है तो अगर सैंडविच को रेटिंग दिया जाए 10 में से तो 7 दूंगा मैं, और चाय को दिया जाए तो आउट ऑफ 10 ओनली 2। और यार लोग कितना भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा खाना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे ऐसे भी मतलब हफ्ते गुजरे हैं कि अपने पूरे मेस नहीं गए, ठीक है। मतलब एक हफ्ते पूरा मेस नहीं गए थे, और अपने रोज़ बाहर से खाना मतलब खाना जो है वो ऑर्डर कर रहे थे। तो एक तरह से पहले जो था, जब एडमिशन लिया था मैंने, उस टाइम पे बहुत अच्छा खाना था, लेकिन जैसे जैसे मतलब कि एडमिशन बंद होते गए, वैसे वैसे खाने की क्वालिटी भी गिरती गई। और देखो यहाँ हर हॉस्टल की बात यही है कि जो खाने की क्वालिटी है ना वो दिसंबर साइड गिरना ही गिरना है। तो इस हिसाब से आप लोग खुद डिसाइड करो, ठीक है। मैं नहीं कुछ इसके ऊपर बोल रहा,
बाकी तो है मैं मतलब बता ही दूंगा, ठीक है। तो भाई इसी के साथ मैंने मतलब यहाँ मेस का जो है वीडियो बना दिया है, ठीक है, आप लोग देख लो। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। अब यही है कि फूड का मतलब खा के रिव्यू करो, तो भाई एक वर्ड में मैं बता दूँ, फूड तो एकदम यार, ठीक है, मेरे रिएक्शन से समझ जाओ। मैं इसके बारे में और कुछ ज़्यादा बोलने पसंद नहीं करूँगा। और बाकी जो अपने पास टाइम बहुत कम है अभी, अपने को काम है तो हम लोग को जाना पड़ेगा सी ब्लॉक में। तो इसी के साथ भाई ये वीडियो जो है, ये छोटी सी वीडियो जो भी है, इसको एंड करते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय।